कैसा रहेगा आपका आज का दिन। अपने दिन की शुरुआत करें परमहंस दाती जी महाराज के साथ। अभी तक आपने गुरु मंत्र विद दाती महाराज सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन को क्लिक करें। नमो नारायण। 3 दिसंबर सन 2017 और रविवार का दिन है और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं आपकी जीवन को सहज बनाऊं, आपकी समस्याओं का समाधान है। दर्द आपके पास तो दवा है देवादि देव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादि देव शनिदेव। भगवान शनिदेव की आराधना करके आपके सामने आ रहा हूं। खाली आपसे इतना कहना चाहता हूं, जरा इन आंखों में देखिए और इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे जीवन का अनुभव है, लगातार कई वर्षों तक देवादि देव शनिदेव की शरणागत रहने के बाद मैं चैनल पे आया और मेरा निवेदन, ये समय मेरा है और इसके लिए आपको इन आंखों में देखते हुए थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। नमो नारायण। क्या आपके कार्यों में परेशानी है? आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, अपना पूर्ण एफर्ट लगाने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही और मार्केट में आपकी साख खराब हो रही, अनावश्यक रूप से कार्यों में बाधा आ रही, समाज और परिवार में अपनी बात कह नहीं पा रहे, मन हमेशा डिप्रेशन में रहता है और घुटनों में दर्द। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान आज का गुरु मंत्र है। नमो नारायण, नमो नारायण। जब मैं चैनल पे आ रहा था तो मेरे एक मित्र ने मेरे से बात करी, दाती महाराज पता नहीं कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिनसे भी मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं आपके ग्रह अनुकूल नहीं है, आपके ग्रह आपको अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्या करें? कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, आज का कर्म कल का भाग्य होता है। अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कर्मों में सुधार लाते हुए उपाय मैं बता रहा हूं, किसी भी गुरुवार को ये उपाय प्रारंभ करें, लगातार साल भर करें। 900 ग्राम हल्दी उसमें चावल मिला दी, प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर से 9 बार उतार कर चिड़ियों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। अब आप करके देखिएगा, सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं रविवार के पंचांग, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, विक्रम संवत 2074 रविवार का प्रातःकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, थोड़ी देर के बाद रोहिणी लग जाएगा और चंद्रमा वृषभ राशि में। आज पूर्णिमाशी है और पूर्णिमाशी को गंगा स्नान का अपना महत्व है। पूर्णिमाशी के दिन किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना, वस्त्रों का दान देना, गाय को चारा डालना बड़ा शुभ, बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है, जरूर करें। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की साल। 3 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 3 दिसंबर आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, प्रयासों के बावजूद भी कारोबार नहीं चल रहा, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, लेन देन के मसले अटक रहे, व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ा, परिवार में कलह है, ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। यदि आपका जन्म 3 दिसंबर को हुआ है तो मांस और मदिरा का सेवन मत करिए साल भर, या फिर हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। किसी भी मंदिर में जाकर 27 गुरुवार गाय की घी का दीपक जलाइए और मंदिर में मूर्ति माई की हो तो सोने में सुहागा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दीपक जलाना भी उत्तम माना गया है।
कैरियर, कारोबार, परिवार संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का नियमित सुबह शाम जाप करी सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए आपको मैं ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए मैं बात करूंगा रविवार की राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि राशि अधिपति मंगल, मेष राशि वालों पहली राशि, और जिस तरह के घर योगा योग है गोचर ये संकेत दे रहे कि पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी। गुजर लायक धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक रहेंगे। जिस तरह के घर योगा योग है धन खर्च जरूर है भाई, और अत्यधिक आकांक्षा के कारण व्यवसायिक क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि सहजता बना के रखे, शांति से काम किया और अपनों को साथ लेके चले तो आज किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। नमन है, क्या करें, आर्थिक क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, स्वार्थवश कोई कार्य ना करें। नमन है। अब बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि ग्रह गोचर अनुकूल और लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत है। जिस तरह के घर योगा योग है विशेष कार्य के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। किसी बड़े अधिकारी के द्वारा कार्य संपन्न होगा, स्वजनों के सहयोग से मनोबल ऊंचा बना रहेगा, देश विदेश से शुभ समाचार मन को प्रसन्न करेंगे, आर्थिक पक्ष बढ़ेगा और अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बस वृषभ राशि वालों किसी अपने का हक नहीं मारना, न माना रहे, क्या करें, परिश्रम और लगन से कार्य में जुटे रहे। क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें, न मना रहे। अब बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों 12वां चंद्रमा है और गोचर में 12वां चंद्रमा अनुकूलता का संकेत दे नीरा, इसलिए वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। सितारों की चाल जिस तरह का संकेत दे रही है प्रतिकूल फल ज्यादा आज मिल सकते हैं आपकी वाणी की वजह से, आपकी वाणी की वजह से शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है। मिथुन राशि वालों किसी पर भी आज अधिक भरोसा करना उचित नहीं होगा, अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा सावधानी बरता और थोड़ा सा धैर्य रखा तो संकट के बादल जरूर चढ़ेंगे, परंतु परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और अपनों को साथ रखना पड़ेगा। छोटा सा उपाय, आज गरीब निर्धन विधवा स्त्री को हरी वस्तुओं का दान देना आपके लिए ठीक रहेगा। क्या करें, थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो स्थान परिवर्तन ना करें, न मना रहे। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले रविवार का राहु काल और रविवार की यात्रा। रविवार का राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है, न मना रहे। और बात करते हैं आज की यात्रा की, दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय नहीं। मेरा ये कहना कि समय और साधन बदल गया, आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन आज के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद कुछ रोगी को श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान दीजिए और मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा, न माना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि ग्रह गोचर की अनुकूलता से मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे, गोचर बड़ा शुभ है, कार्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, सरकारी कार्य में सफलता हासिल करेंगे, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, शत्रु बाधा और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, परिवार का सुख और सहयोग बना रहेगा और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, हिम्मत और साहस से कार्य में डटे रहें, सफलता आपका दामन छू। क्या ना करें, अनावश्यक किसी पर भी शंका ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि, सिंह राशि ग्रह गोचर शुभ अनुकूल और लाभदायक नजर आ रहा है, आज अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होगी,
संपूर्ण कार्य व्यवस्था आपके नियंत्रण में रहेगी। देश विदेश की भ्रमण की योजना और महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आज प्रतिद्वंदी भी आपकी प्रशंसा करेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें, सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करना आज के दिन बड़ा उत्तम रहेगा। क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में किसी को आज भागीदारी न बनाए न मनाए। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, गोचर की बात करो, स्वप्रयास से व्यवसायिक उलझने दूर होगी और उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर रहे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे, शुभ और धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का प्यार मिलेगा और आज पैसा भी मिलेगा। क्या करें, जीवन साथी की बातों को महत्व देना आज के दिन बहुत जरूरी है। क्या ना करें, बेवजह वाद और विवाद में न पड़े न बना रहे। कारक सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह में मुझे किसी ने पूछा कि दाती महाराज, मास्टर बेडरूम कौन सी दिशा अच्छी रहेगी? मास्टर बेडरूम हमेशा नेतृत्व कोण में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मास्टर बेडरूम हमेशा नेतृत्व कोण में ही बनाना चाहिए। नारायण, बात करते सुझाव की। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज अचानक धन की हानि हो रही, मैं तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा था लेकिन फिर भी नुकसान हो गया, क्या करें? आज रविवार का दिन, आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म से नियुक्त स्नान उपरांत अपने इस देवता का ध्यान करते 21 गोमती चक्र लाल धागा में लपेट कर मुख्य द्वार पर लटका दीजिए, संपूर्ण समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, गोचर की बात करो, गोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। आज शत्रु गुप्त रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास करें, किसी अपनों से भी आज धोखा हो मिलने की संभावना है, खर्चा अधिक है, मान सम्मान की चिंता है, कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और मानसिक तनाव भी है। आप कहेंगे दाती मेरा दरार कत्ता ही नहीं, संकेत दे रहा हूं कि थोड़े से सावधान और छोटा सा उपाय, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प अर्पित करी का कष्ट कम आएगा। क्या करें, वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें, गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें ना मनारण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा, पारिवारिक अनुकूलता और एकता बढ़ेगी, व्यवसाय में लाभ होगा, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे, सूझबूझ और समझदारी से अनुकूल लाभ की प्राप्ति भी होगी। क्या करें, इच्छित कार्य को पूर्ण करें। क्या ना करें, साहस और हिम्मत आज न हारे नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि और समय अनुकूल है, सितारों का शुभ संकेत है, कारोबार संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होंगे, रुकवे धन की प्राप्ति होगी, किसी व्यवसायिक अनुबंध और समझौते से विशेष लाभ होगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, बहुत जरूरी है आज के दिन तनाव और चिंता रहित होकर कार्य करना है। क्या ना करें, मित्रों से भी धोखा ना करें भाई, ध्यान रखें न मना। तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले आज का उपाय और अद्भुत देसी नुस्खा उपाय। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन सफलता ही नहीं मिल रही, हमेशा अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं, क्या करें? किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन माँ लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, जल गंगा जल पंचामृत पवित्र करने के उपरांत शुद्ध जल से स्नान करें, श्रद्धापूर्वक शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, सफेद मावे की मिठाई का भोग लगाइए, गाय की घी का दीपक जलाइए, ओम माँ भागे नमः इस मंत्र का जाप करते 108 लाल कमल के पुष्प भेंट करी और कुछ दिन ये करके देखेगा समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं नुस्खों की। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज घुटनों में बहुत दर्द रहता है, अविलंब डॉक्टर से सलाह लीजिए, लेकिन ये नुस्खा अपनाने भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो प्रातःकाल खाली पेट 3 या 4 अखरोट की गिरियां खाना बड़ा लाभकारी रहेगा। सौंठ के काढ़े में अरंड का तेल आधा चम्मच मिलाकर पीने से
घुटना, कमर और पीठ के दर्द में बड़ा बड़ा आराम मिलता है। लेकिन मैंने ये देखा कि प्रातःकाल 3 या 4 अखरोट की गिरियां खाने से कुछ दिनों में घुटनों में चिकनाई आ जाती है और दर्द में कमी हो जाती है। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहा है कि परिस्थितियों में सुधार होगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और परिवार में आपसी सुलह और सहयोग और समन्वय बना रहेगा। आज आप सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल रहेंगे। गोचर बड़ा सुंदर है मकर राशि वालों, कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या करें, कोई कारोबारी यात्रा करना चाहते हैं या आवश्यक यात्रा करना चाहते हैं, दिन बड़ा अच्छा है। क्या ना करें, लिखित में आज कोई समझौता ना करें, न मनाएं। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत देने की, खुद पर नियंत्रण रखकर कार्य करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। वाणी में आज संयम रखें, महत्वपूर्ण कार्य और व्यावसायिक वार्ता में जल्दबाजी से बचें और संभव हो तो महत्वपूर्ण कार्य और व्यावसायिक वार्ता आज स्थगित कर दें। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों कि परिवार में कलह और विवाद के योग है। जीवन साथी के साथ सहज रहना आज बहुत जरूरी है और विवादित पूंजी सौदों में पूंजी निवेश न करें, नुकसान की प्रबल संभावना है। कुंभ राशि वालों, सुबह से लेकर शाम तक गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा, छोटा सा उपाय, आज किसी विधवा स्त्री को सरसों का तेल का दान दीजिएगा, कष्ट कम है। क्या करें, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें, आज पूंजी निवेश नहीं करें या महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी आज न करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, समय उत्तम, सितारों का शुभ संकेत, भाई बंधु का सुख बढ़ेगा, घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पराक्रम बढ़ेगा, अपनों का प्यार और पैसा भी मिलेगा। क्या करें, थोड़ा सा अधिकारी वर्ग को खुश करने का प्रयास करें। क्या ना करें, स्वजनों की मदद से मना ना करें, न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे विचार है, लादने का स्वभाव नहीं, सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भगवान सूर्य देव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी राजनीतिक सफलता नहीं मिली, अनावश्यक कार्य में बाधा आ रही, समाज और परिवार में अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, मन हमेशा डिप्रेशन में रहता है, सामाजिक सूरज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्या करें। आज रविवार का दिन, भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करें। अब भगवान सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करें, वो पूजा और मंत्र है। आज के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के उपरांत भगवान सूर्य को 5 लाल पुष्प अर्पित करें और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम विद्यात्मने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और कुछ दिन करके देखेगा सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं रविवार के जीवन मंत्र। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, जब तक हम और आप अपने भीतर के परम सुख की अनुभूति तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब तक हम भीतर नहीं जाएंगे जीवन के उस असली अनुभव से वंचित रह जाएंगे। और जो मनुष्य अपने भीतर में कनेक्ट नहीं होता है, मानव जीव पाने के सौभाग्य से वंचित रहता है। इसलिए उस परम सुख की अनुभूति तक पहुंचने के लिए उस मार्ग को ढूंढने का प्रयास करें ताकि जीवन में परम सुख की अनुभूति का परम सुख उपलब्ध हो सके। गुरु महाराज जी की दया से मैंने पाया है और मैं आपको माने जा सकता हूँ। न माना है, समय छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम। न माना है। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय है प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। Thank you.
शनि देवा हरि ओम तत् सत् जय 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 शनि देवा नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल्पना गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, सोमवार का राशिफल, महादेव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, उपाय, वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।